अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम अपनी परेशानियों से इतना थक गए थे कि तुम्हारी आंख लग गई। पर अब तुम उस परेशानी से बाहर हो। अब है इंडिया से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब उस रिश्ते की बस परछाई बची है। अब है, अब तो कोई अड़चन, कोई दीवार, कोई रोकने वाला नहीं है ना। अब तो हम एक हो सकते हैं ना। बोलो, चुप क्यों अब है? बोलो ना, अब तो हम शादी कर सकते हैं ना। इतना सब कुछ हो गया है मेघा, अभी एक रिश्ते से बाहर आया हूं, दोबारा किसी दूसरे रिश्ते से जोड़ने के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूं? मेघा, छोड़ो मुझे। तुम कभी हाँ नहीं बोलोगे ना, और मैं यूं ही इंतजार करती रहूंगी तुम्हारा। इससे तो बेटर होगा कि मैं जान ही ले लूं अपनी। ये क्या पागलपन है मेघा? छोड़ो, मेघा छोड़ो। खुद की जान क्यों लेना चाहती हो? मैं क्या करूं? अरे मैंने थोड़ा सा वक्त ही तो मांगा है मेघा। थोड़ा सा वक्त चाहते हो, और अगर उसी वक्त में बिंदिया ने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम नहीं जानते वो कुछ भी कर सकती है। हम एक बार शादी कर लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो हमें अलग नहीं कर पाएगी। अभी मैं बस इतना ही तो चाह रही हूँ। मेघा, उसके लिए भी डिवोर्स पूरी तरह हो जाने तक हमें रुकना ही होगा। अगर उसके बीच उसने मुझे रास्ते से हटा दिया तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। अभय, मैं फिर से तुम्हें नहीं खो सकती। तुम नहीं जानते वो क्या कर सकती है। बस एक बार अगर हम दोनों शादी कर लेंगे ना, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। अभय, क्या हुआ? हमने सब सुन लिया है लल्ला, मेघा सही बोल रही है। जानते हो अभी अभी क्या हुआ है? अभी हम मंदिर में दिया जला रहे थे तो पीछे से बिंदी आई और हमसे कहने लगी, तलाक के कागजात पर दस्तखत तो करवा लिए, अब इसे आगे बढ़ाओ तो जाने, घर से बाहर निकालो तो माने। सीएम है हम, मुख्यमंत्री, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कहा उसने? हाँ, रुकिए, मैं अभी उसे जाके। अरे नहीं लल्ला, रुक रुक, वहां जाकर का करेगा तू? डांटेगा ना उसे, और फिर का, वो अपना सारा गुस्सा ना मेघा पर निकालेगी। अरे इसके पहले भी उस पर हमला करवा चुकी है ना, अब अगर दोबारा करवा दिया तो। लल्ला, हम तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ना तुम मेघा के साथ ब्याह कर लो बस। लेकिन मां, जब तक तलाक नहीं मिल जाता, मैं कानूनन बिंदिया का ही पति हूँ, तब तक मेघा से शादी नहीं कर सकता। बस इतनी से अर्जुन, इसे हम दूर कर देंगे। हम तलाक की बात कर रहे हैं। देखिए ना, अभय जी ने अपनी जिंदगी का वास्ता देकर वो कागज पे दस्तखत करवा लिया,
अब आगे का काम हम आसान कर देते हैं। हेलो सचिव जी, वो फैमिली कोर्ट के जज कौन है? नीलिमा जी, उनसे कहिएगा कि हम अपने घर में ही कोर्ट लगवाना चाह रहे हैं। कल तड़के ही सब तैयारी के साथ आ जाइएगा। कल सुबह आपका काम हो जाएगा, बस खुश। यहाँ खड़ी खड़ी का कर रही हो? जाओ जाकर के रसोई देखो। यहाँ जब सब काम हो जाएगा तो लोग खाना भी खाएंगे ना। जाओ जाकर देखो। का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं चाहते थे कि हमारे रिश्ते का तमाशा बने, इसलिए गुजारिश करके आपको यहाँ बुलाया केस की सुनवाई के लिए। डोंट वरी, केस की प्रोसीडिंग सीक्रेट ही रहेगी। हमने आपके डिवोर्स के पेपर्स पढ़ लिए हैं। आप दोनों को तलाक चाहिए। नहीं, नहीं। पर आपने तो सारे पेपर्स पर सिग्नेचर्स किए। क्योंकि हमारे पति ने कहा था कागज पे दस्तखत कर। नहीं, मना कैसे करते? तुम बात को घुमा क्यों रही हो? कल हमने साफ साफ बात तो की थी और फिर साइन किया था। साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि कल हमने बात की, तलाक के बारे में सोचा और फिर साइन कर दिया तुमने? नहीं, आपने बात की, आपने सोचा तलाक लेने के लिए। हमने तो केवल दस्तखत किया, इसमें कौन सी बात घुमाई हमने? योर ऑनर, मुझे जल्द से जल्द तलाक चाहिए। मिस्टर भारद्वाज, आप तो पुलिस वाले हो ना, सबसे पहले केस की एफआईआर होती है, फिर चार्जशीट बनती है, फिर केस अदालत में जाता है, वकील जिरह करते हैं, उसके बाद जाकर कहीं फैसला होता है। आप तो सीधा फैसला ही लेने के लिए कह रहे हैं। पहले ये तो साबित कीजिए कि तलाक क्यों होना चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि तलाक देना है या नहीं देना है। पक्का इस बिंदिया ने इस जज को अपनी तरफ मिला लिया है। क्या कहा आपने? कुछ सोच रही हैं कि हमने आपको अपनी तरफ मिला लिया है। जज साहिबा, मेघा जी को समझाइए। सासू माँ, जज साहिबा पे ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगाते। कहीं ऐसा ना हो जिन्हें आप बहू बनाने में जल्दबाजी कर रही हैं वो कोर्ट के अपमान के जुर्म में जेल चली जाए।
आप दोनों सामने आइए मेरे। आपने इन पर इल्जाम लगाया है कि इनके चरित्र में दोष है। क्या इनके किसी और आदमी के साथ अनैतिक संबंध है? नो योर ऑनर। आपने पेपर्स में लिखा है कि ये क्रिमिनल है, जालसाज है। योर ऑनर, हमको जो पता चला था हमने उस हिसाब से इन पर इल्जाम लगाया। पता चला था? इसका क्या मतलब? किससे पता चला था? क्या किसी कोर्ट ने साबित किया था? नो योर ऑनर। मतलब सब कानों सुनी बातें हैं। क्या आपको लगता है ये इल्जाम सही है? क्योंकि कैरेक्टर वाला तो आपने अभी खुद ही मना कर दिया, तो अब ये क्रिमिनल जालसाजी। हाँ योर ऑनर, बिंदिया ने मेरे परिवार के खिलाफ चालें चली हैं, धोखे दिए हैं। कोई सबूत है आपके पास? मेरी माँ ने मुझे बताया। और माँ को किसने बताया? उन्हीं के साथ ये सब हुआ है, बिंदिया ने किया। हो सकता है आपकी माँ को धोखा हुआ हो। नहीं जज साहिबा, हम तो ये कह रही हैं कि ये फैमिली कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है। यहाँ तो तलाक की बातें होनी चाहिए ना, और यहाँ तो सबूत की बातें हो रही है। वो तो टोन आपकी धीमी है, वरना हरकत तो आपने भी अदालत के अपमान की है। नहीं 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 नहीं, हम तो बस यूं ही कह रही थी। जब केस बना ही इल्जाम लगाकर है तो इल्जाम साबित करना ही चाहिए ना। आपके दिए सबूत अभय जी ने तो मान लिए, पर जज साहिबा भी तो जाने। ये सब क्यों कर रही हो? कल तो तुमने चुपचाप पेपर्स पर साइन कर दिया था, तो फिर ये सब क्या है? मिस्टर भारद्वाज, आप यहां उनसे इस तरह से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। ये यहां आपका अभी हॉल नहीं है, इस वक्त ये फैमिली कोर्ट है। आई एम सॉरी योर ऑनर। एक बात तो साफ समझ आ रही है कि आप दोनों के बीच कोई गलत फहमी हुई है। कानून के तहत हमें तब तक डिवोर्स ग्रांट करने की इजाजत नहीं देता है जब तक कि रिश्ता जोड़े रखने की कोशिश न की गई हो। आप दोनों को कोर्ट अपॉइंटेड मैरिज काउंसलर से मिलना होगा, उनके सेशंस अटेंड करने होंगे। उसके बाद भी अगर आप दोनों तलाक लेना चाहते हो तो तलाक दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप दोनों को एक छत के नीचे रहना होगा पूरे 6 महीने तक। जी, देखा, कहा था ना मैंने, इस बिंदिया ने सब सेट करके रखा हुआ है। ये जज को भी खुद से मिला रखा है, तभी तो ऐसा फैसला सुनाया इन्होंने। तलाक ही आगे करवा दिया ना। चुप रहोगी तुम? कॉल पुलिस। ये कहा किया तुमने? हम कह रहे हैं ना कि चुप रहो। इस लड़की को 24 घंटे के लिए हिरासत में ले लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में। आंटी प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। प्लीज कुछ कीजिए ना आंटी। अरे हम क्या करें, बोल रहे थे चुप रहे, बड़बड़ बड़बड़, अब भुगतो। अबे अबे छुड़ाओ मुझे।
के लिए यही फैसला है। चाहे जो कुछ भी करवा लो बिंदिया, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बितानी है। पर हमें आपके साथ ये जिंदगी नहीं, आने वाले 7 जन्मों की जिंदगी बितानी, आने वाले 7 जन्मों की जिंदगी बितानी है। मौका भले ही कानून से मिला हो, कहीं ना कहीं भोलेनाथ का हाथ जरूर है। हम हमेशा कहते हैं ना, भोलेनाथ सबके साथ, आपके और हमारे रिश्ते के भी साथ है। अब सारा सच सामने आएगा और ऐसे आएगा जिससे आपको तकलीफ भी नहीं होगी। बिंदिया, भाभी, ये आंसू किस लिए? दो पैरों पे खड़े हैं हम। बिंदिया, तुम इतनी हिम्मत कैसे बंधाए रखी हो? तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, फिर भी तुम हम समझ नहीं पा रहे कि अब मैं काहे सच्चाई नहीं देख पा रहा हूँ। वो काहे नहीं समझ रहा है कि उसको तुमसे बेहतर बीवी नहीं मिल सकती है। वो तो तुमसे रिश्ता तोड़ने जा रहा है। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, भोलेनाथ सबके साथ, ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। तुम्हें अभी भी विश्वास है कि अभय में बदलाव आएगा, वो सच्चाई देख पाएगा? हट्टीहारों की जय हो। बस, तुम दोनों मिलकर के हमरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। तुम्हारे तो पर निकला है अंजू। का सोच रही थी कि हमें पता ही ना चलेगा? अभी दिखाते हैं। हमरे होते हुए आप अपनी बहू पर अत्याचार नहीं कर पाएंगी सासू माँ। दोबारा अगर आपने इन्हें हाथ लगाया या इस घर के किसी सदस्य ने इन्हें उल्टा सीधा कहा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब
हमें समझ आ गया है कि हम का कर सकते हैं। और अब आप भी समझ जाइए कि आपकी जबरन गिरी नहीं चलने वाली। हम अभय जी को नाश्ता देकर आते भाभी, फिर हम दोनों नाश्ता करेंगे। सिक्योरिटी भैया, रसोई के पास ही रहिए। जी मैडम। अंजू भाभी को आपकी जरूरत पड़ सकती है। अभी ना तुम लोगों का पड़ना भारी है, हमारा भी होगा। जब होगा ना तो उसके लिए तैयार रहना। अभय जी,